वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दौरे नलगुंडा के मौके पर परचम कुशाई के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में फायर जेलों और पुलिस मुलाजमीन के हमराह जायजा लिया। जायजा इजलास में जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल, डीआईजी एवी रंगनाथ, डीटीसी एसपी सतीश चौड़ागरी, 12वीं बटालियन कमांडेंट एनवी संबया, फायर ऑफिसर यजना नारायणा, डिस्ट्रिक्ट जेल सुप्रिंटेंडेंट देवला नायक, एमएलए कंचर लाभोपाल रेड्डी, चेरुमूर्ति लिंगैया, निलमुतु भास्कर राव, निमुला भगत, डीएसपी वेंकटेश्वर रेड्डी, आनंद रेड्डी, वेंकटेश्वर राव, रविंदर रामाना रेड्डी और दीगर अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर डीआईजी रंगनाथ, एमएलए भास्कर राव और चेरुमूर्ति लिंगैया ने कहा कि जिले नलगुंडा में देवरकुंडा सब डिवीजन में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की तामीर होनी चाहिए और नए पुलिस स्टेशन की इमारतें अडवी देवलापल्ली, मार्ड गोलापल्ली और तिरुमलगिरी सागर में तामीर की जानी चाहिए। कोंडा मल्लेपल्ली, चिंतलापल्ली, नेडरू गोमा और मिरियालगुड़ा सब डिविजन्स के सिलसिले में नौमुला भगत ने वजीर मौसूफ के नोटिस में लाया। नकरीकल के एमएलए चेरुमूर्ति लिंगैया ने वजीर से कहा कि कौमी शाहरा पर हाईवे पुलिस स्टेशन, एक विमेन पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कायम किया जाए। खास तौर पर जिले के नकरीकल इलाके में डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर यजना नारायणा ने वजीर दाखिला से कहा कि वो जिले के फायर स्टेशनों को अपग्रेड करें और हर फायर स्टेशन में कम अज कम दो फायर इंजन लगाए। वजीर ने कमांडेंट को नलगुंडा के नुहा इलाकों में 12वीं बटालियन की जमीन मख्तस किए बगैर बटालियन के गिर्द रेटिंग वॉल बनाने के लिए फंड्स मख्तस करने की भी हिदायत की। इसके बाद उन्होंने जिले में होने वाले जरायम, उनकी रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से उठाए जाने वाले इकदाम और सड़क हादसात को रोकने के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने लोगों की ज्यादा मौसर अंदाज में खिदमत करने की तजवीज दी। नाजरीन, हमारे टीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमारा नंबर है 9550102020 पर।